पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जिले के सरकारी अस्पताल समेत IMA ने इस देशव्यापी बंद का समर्थन किया है। इस तरह एक साथ जिले भर के सरकारी अस्पताल में प्रभावित डॉक्टरों के एक साथ 24 घंटे तक स्ट्राइक पर चले जाने से इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। इस बंद को लेकर मरीज काफी परेशान दिखे। साथ ही कई जगह डॉक्टरों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में आने वाले सैकड़ों मरीज लगातार परेशानियों से जूझते रहे। कोलकाता में हुए डॉक्टरों पर हमले के विरोध में देश भर से बुलाए गए पूर्णिया में भी इसका काफी प्रभाव पड़ता हुआ दिखा और यहाँ भी डॉक्टर काफी आक्रोशित थे और खासतौर से इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। राष्ट्र में चिकित्सकों की हड़ताल जारी है 24 घंटे की और किस कारण से है ये आप लोग जो मीडिया बंधु है उसको इतने अच्छे ढंग से सत्य के रूप में प्रचारित किए हैं। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। संवेदनशीलता अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री में है तो मेरे अंदाज से मुख्यमंत्री तो उसको त्याग देना चाहिए। अगर कोई रेल की दुर्घटना होती है तो उसमें मांग उठता है कि रेल मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर बंगाल में जो जानलेवा हमला हुआ है ये पूरे मीडिया और पूरे जनमानस के द्वारा प्रचारित है, दिख रहा है, महसूस किया जा रहा है, तो क्यों नहीं उस राज्य के मुख्यमंत्री पर FIR हुआ है। ये FIR होने लायक मुद्दा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय दंड संहिता के तहत अरेस्ट करना चाहिए, उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहां प्रेसिडेंट रूल होने लायक समुचित वातावरण है। पता नहीं क्यों अभी तक केंद्र सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। पूरा जितने भी संवेदनशील मानव है ये मानवता पर प्रहार है और ये विभाजनकारी उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसी हिंदू मुस्लिम संबंधी ये बड़ा खेद का विषय है। किसी मुख्यमंत्री से उस पद पे आसीन जो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के चेयर पर है ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये हड़ताल अपने आप प्रिंट और मीडिया आप ही के माध्यम से मरीज भी जान गया है और डॉक्टर भी जान गया है। एक भी क्लिनिक मेरी जानकारी में अपवाद कोई होगा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सिवाय इमरजेंसी वो भी सरकारी अस्पताल में प्राइवेट में इमरजेंसी के लिए भी हम लोगों ने कोई छूट नहीं की है। और अगर आज कलकत्ता में फाइनल नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल निश्चित है।